हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 6 से एसी सर्किट से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल पर टोटल 43 क्वेश्चन है और जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। 3 पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये लास्ट पार्ट है और जो थर्ड पार्ट था उसमें हमने 32 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, तो इस पार्ट में हम लोग 33 से कंटिन्यू करेंगे और आज इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे इस मॉड्यूल को। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं 33 से। क्वेश्चन है, हाउ विल यू ऑब्टेन पॉजिटिव रीडिंग इन द वाट मीटर रीड्स नेगेटिव रीडिंग ड्यूरिंग 3-phase टू वाट मीटर मेथड। 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल जो है ये कहा जा रहा है कि 3-phase में 2 वाट मीटर मेथड से पावर को मेज़र किया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि वाट मीटर में जो है नेगेटिव रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम उसे पॉजिटिव रीडिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो नेगेटिव रीडिंग दे रहा है, हमको नेगेटिव रीडिंग नहीं चाहिए, हमको पॉजिटिव चाहिए, तो उसमें हम क्या करें। ठीक है, तो इसका सिंपली एक सोल्यूशन ये है कि उस वाट मीटर में हम क्या करेंगे, जो प्रेशर कॉइल है, ठीक है, एक करेंट कॉइल होता है, एक प्रेशर कॉइल होता है, प्रेशर कॉइल जो है उसका जो कनेक्शन है हम उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो जो नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा था वो हमें पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। ठीक, तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको सी में दिखेगा, बाई रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन द मीटर, यानी कि मीटर में दबाव कुंडली जो है प्रेशर कॉइल की कनेक्शन आपस में हम बदल देंगे। ठीक है, यानी रिवर्स कर देंगे, तो नेगेटिव वैल्यू जो था वो पॉजिटिव हमें दिखाएगा रीडिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर फॉर सानुसॉइडल एसी। ठीक है, ज्वाक्रिय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। फॉर्म फैक्टर का मान, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इन सब पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है पहले ही ऑलरेडी। तो फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.11। ठीक है, हम इस पर डेरिवेटिव्स पे नहीं जाएंगे, डेरिवेशन में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, बस इतना याद आप रख लीजिए 1.11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है 1.11। पीक फैक्टर का मान होता है √2, यानी कि 1.414। ये भी सवाल कोई पूछ सकते हैं, ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट। एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ससेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिलेशनशिप इज इल्लुस्ट्रेटेड इन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। यहाँ पे वोल्टेज और करंट का एक फेजर डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख के बताना है कि इस डायग्राम में इनके बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लेते हैं हम इसको वोल्टेज समझ लेते हैं और इसे करंट समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 से दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, बढ़ना शुरू करते हैं, और एक साथ यहाँ पर ये जो है वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, एक साथ बढ़ रहा है और एक साथ घट रहा है दोनों का। भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, पर दोनों एक साथ यहाँ से बढ़ना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मैक्सिमम पे पहुँचते हैं और दोनों एक साथ 0 पर फिर वापस आते हैं। फिर ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे सेम यही चीज़ होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी दोनों एक साथ बढ़ना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मैक्सिमम पे पहुँचते हैं, दोनों एक साथ फिर 0 पर आते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जब वोल्टेज एंड करंट एक साथ घटते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये इन फेज है, मतलब एक साथ फेज में, एक साथ बढ़ रही है एक साथ घट रही है, तो ये सेम फेज पे हैं। अगर वोल्टेज और करंट अलग अलग बढ़ना स्टार्ट करते हैं, हो सकता है कि वोल्टेज आगे बढ़े फिर करंट पीछे, या फिर करंट आगे चला जाए वोल्टेज पीछे, तो वो आउट ऑफ फेज होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे हम कहते हैं आउट ऑफ फेज। ये इन फेज होती है जब करंट एंड वोल्टेज एक साथ घटते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ मैक्सिमम पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हमेशा सामने ही दिख रहा है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, इसे सेम फेज पे है, इन फेज इसे हम कहते हैं। ठीक है, यानी धारा और वोल्टेज समान कला में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट द टोटल पावर बाई टू वाट मीटर W1 एंड W2 मेथड इफ वन ऑफ द वाट मीटर रीडिंग इज टेकन आफ्टर रिवर्सिंग। दो वाट मीटर मेथड है जिसमें दो वाट मीटर W1 W2 लिया गया है। विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि एक वाट मीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो वाट मीटर टू वाट मीटर मेथड से पावर को मेज़र किया जा रहा है, लेकिन एक को क्या किया गया, मान लेते हैं W2, उसको जो है उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, रिवर्स करने के बाद रीडिंग लेनी है, दोनों का वैल्यू हमें टोटल पावर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो चूंकि हमने W2 को रिवर्स कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको माइनस में लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा W1 माइनस W2। तो ये किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ये ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच थ्री फेज सिस्टम द आर्टिफिशियल न्यूट्रल इज रिक्वायर्ड टू मेजर द फेज वोल्टेज। कौन सी तीन कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स, आप लोग पॉलीफेज सिस्टम में पढ़ चुके होंगे, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में जब तीनों जो फेजेस होती है उसके एक एक सिरे को जोड़ा जाता है, तो वहाँ से एक और पॉइंट निकलता है जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो यही है न्यूट्रल पॉइंट, स्टार पॉइंट। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में ऑलरेडी न्यूट्रल पॉइंट है, तो ज़रूरत हमें किसे पड़ती है? हमें पड़ती है डेल्टा में, क्योंकि डेल्टा में कोई भी स्टार पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार पॉइंट में इनकेस अगर हमें फेज वोल्टेज निकालना होता है, तो हम इसमें कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से एक स्टार कनेक्शन में जैसे न्यूट्रल पॉइंट होता है, उस तरीके का हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी थ्री वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तीन वायर का है, इसमें कोई न्यूट्रल वायर नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन थ्री फेज सिस्टम इफ द फेज वोल्टेज इज 240 वोल्ट। थ्री फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 हो, तो लाइन 240 वोल्ट हो, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? फ्रेंड्स, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो स्टार कनेक्शन में है या डेल्टा कनेक्शन में है। ठीक है, पर ऑप्शन में जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि फेज वोल्टेज 240 है। ठीक है, तो 240 है, और यहाँ पे मेंशन भी नहीं है कि स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन है। और अगर ऑप्शन में 240 होता, तो हम शायद ये भी सोचते कि ये शायद डेल्टा में हो, क्योंकि डेल्टा में क्या होता है, VL बराबर VP होता है डेल्टा कनेक्शन में। लेकिन यहाँ पे 240 का कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये स्टार कनेक्शन के लिए है। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन थ्री फेज सिस्टम है ये, और इसमें जो है फेज वोल्टेज का मान क्या हुआ है, यानी VP बराबर दिया हुआ है 240। तो स्टार कनेक्शन में VL बराबर क्या होता है, √3 × VP। तो VP का मान दिया हुआ है 240, तो √3 का मान क्या होता है, हम इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, तो VL बराबर क्या हो जाएगा, √3 × 240। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 × 240। तो आप जैसे इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा आपका 415.68 वोल्ट। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कि 415.68 किस में है, तो 415 दशमलव में तो नहीं है, लेकिन 415 है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 415 वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर. फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है. फॉर्म फैक्टर जो है ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया, फिर से ये रिपीटेड हो रहा है, रिपीट हो रहा है. फॉर्म फैक्टर जो होता है ये होता है आरएमएस वैल्यू. फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है, इन दोनों का रेशियो होता है. तो आरएमएस को हम प्रभावी मान भी बोलते हैं, यानी इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा. इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू. फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, ये आपको याद रखना है. और साथ ही किसका अनुपात होता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट इम्पिडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट. आरएलसी सीरीज सर्किट के प्रतिबाधा की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है. फ्रेंड्स ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बना चुके हैं, एक कैलकुलेशन था. तो इसका फॉर्मूला आप जानते भी हैं क्या है. जेड इज इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है. ये जो टिल्ट है, ठीक है, डिफरेंस, इसका अर्थ ये होता है कि अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है तो हम एक्सएल माइनस एक्ससी करते हैं, और अगर एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल है तो एक्ससी माइनस एक्सएल करते हैं, इसका ये अर्थ होता है, ठीक है. तो ये इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है ऑप्शन डी में. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पावर फैक्टर इफ़ वन ऑफ द वाट मीटर गिव्स नेगेटिव रीडिंग इन टू वाट मीटर मैथड ऑफ ए थ्री फेज पावर मेजरमेंट. थ्री फेज शक्ति माप की दो वाट मीटर विधि में यदि एक वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा. तो थ्री फेज सिस्टम में हम पावर को मेज़र कर रहे हैं टू वाट मीटर मेथड से. तो टू वाट मीटर मेथड्स में अगर एक जो है वो नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, दोनों में से कोई एक नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पावर फैक्टर होगा वो लेस देन 0.5 होगा, ठीक है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस आरएलसी सर्किट. किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है. देखिए उस स्थिति को कहेंगे जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो, ठीक है. जब एक्सएल बराबर एक्ससी होता है इस कंडीशन में हम एसी सर्किट में उस स्थिति को हम रेजोनेंस कहते हैं. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन और इस मॉड्यूल का ये आखिरी क्वेश्चन है. यहाँ पे बेशक ये 45 दिखा रहा है बट जब आप नोटिस करेंगे तो दो क्वेश्चन वहाँ पे स्किप किया हुआ है, मैंने नहीं किया है. ये निमी क्वेश्चन बैंक से जब डाउनलोड किया था मैंने तभी से ये है और निमी से ही ये चीज़ हुई है, तो इसीलिए मैंने इसे 43 काउंट किया था. दो क्वेश्चन नहीं थे तो टोटल 43 हुए, भले यहाँ 45 यहाँ पे टाइप हुआ है. सो कोई बात नहीं. तो ये आखिरी क्वेश्चन है विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में ये जो कह रहे हैं कि कौन से जो परिमाण है वो घूमता है, ठीक है, घूर्ण होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फेजर क्वांटिटी एंड अलजेब्रिक क्वांटिटी. तो फ्रेंड्स इनमें से जो फेजर क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में वो रोटेट होती है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. तो फ्रेंड्स मॉड्यूल 5 सॉरी मॉड्यूल 6 यानी एसी सर्किट का जितना भी सारा क्वेश्चन था हम लोग डिस्कस कर लिए. और अब नेक्स्ट हम लोग सेमेस्टर 2 के जितने भी मॉड्यूल है उस पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे और जो भी अगर इनके कुछ मिस्टेक होंगी आंसर में या क्वेश्चन में तो हम उसको रेक्टिफाई करते भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हो जाता है कभी कभी कोई कोई ऑप्शन में आप देखेंगे भी कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, होता है, ठीक है.
और इसी तरीके से हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें, हमारे वीडियोस को अपने साथियों तक पहुंचाते रहें, ताकि किसी अगर उनको ज़रूरत हो तो हो सकता है कि उनको कुछ मदद मिल जाए। और इसी तरीके से हमें सुझाव देते रहिए, अगर कुछ त्रुटि है तो हम उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।